क्यों निकाला है टाटा ने 3118 ट्रक, जबकि उसके पास पहले से ही 2818 और 3518 सेगमेंट में दो ट्रक पहले से ही ऑलरेडी हैं। तो अभी टाटा ने यहां पर 3118 क्यों बनाया? 31 टन GVW, क्या जरूरत थी, क्या कस्टमर को यहां पर प्रॉब्लम आने वाली थी, तो उसके बारे में हम आपको ये वीडियो पूरी बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। तो इस गाड़ी में आपको 31 टन GVW मिल रहा है और 10 टायर, ये 3 एक्सल वाली गाड़ी है। जो आजकल 3 एक्सल वाली गाड़ी आ रही है 2818, उसमें भी 3 एक्सल है, उसमें 28 टन की यहाँ पर GVW मिल रहा है। इस गाड़ी में लिफ्ट एक्सल लगा हुआ है, तो सबसे जो बेहतरीन बात है इस गाड़ी में सिंगल लिफ्ट में डबल टायर यहाँ पर लिफ्ट एक्सल दे दिया है। ये प्रॉब्लम कब शुरुआत हुई कस्टमर को, क्योंकि जो गाड़ी 2818 है उस पर 23,000 लीटर का पीछे जो टैंकर है वो बन रहा था, जो पैसो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम की, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। 2,000 लीटर का यहाँ पर टैंक कम बन रहा था, क्योंकि पासिंग उतने में ही कंप्लीट हो जाती थी। तो उसके बाद टाटा ने ये सोचा कि 3 टन की पासिंग वो कैसे बढ़ा दे, 12.5 टन का ये लिफ्ट एक्सल यहाँ पर डाला, तो इसकी वजह से गाड़ी में 3 टन की यहाँ पर GVW में बढ़ोतरी हुई। अभी यहाँ पर कस्टमर आसानी से यहाँ पर, जैसे जो टैंकर एप्लीकेशन में गाड़ी में चलते हैं, उनके लिए 25,000 लीटर का यहाँ पर टैंक आसानी से यहाँ पर इस गाड़ी में लग पाएगा और GVW भी अंडर ही रहेगा। और एक और जो फीचर है इस गाड़ी में, इस गाड़ी को आपको लेने का टाटा का यही मकसद था, टाटा ने यहाँ पर 6 टायर गाड़ी और 10 टायर गाड़ी को कंबाइन कर दिया। कुछ एरिया में यहाँ पर 6 टायर गाड़ी का ही माल मिलता है, उसके बाद जो रिटर्निंग भाड़ा है वो 10 टायर का है, ये भी गाड़ी प्रोवाइड करती है। जाते टाइम आप मान के चलिए एक साइड आपकी गाड़ी खाली जा रही है, जैसे मेरी गाड़ी तेल लेने भरने जा रही है मेरे पेट्रोल पंप के लिए, तो मेरी गाड़ी एक साइड खाली जाएगी, तो उसमें मैं अपनी टायर्स की सेफ्टी कर सकता हूँ, टायर्स बचा सकता हूँ और यहाँ पर टायर्स ऊपर उठाकर गाड़ी रवाना कर सकता हूँ, और जो मेरे टायर्स हैं वो 6 टायर में ही गाड़ी रोड पर चलेगी। जब गाड़ी यहाँ पर लोड होगी, जो पेट्रोलियम लोड हो गया, उसके बाद मैं टायर्स को यहाँ पर नीचे कर आसानी से यहाँ पर अपने यहाँ पर गाड़ी दोबारा मंगवा सकता हूँ। ये था इस गाड़ी का फुल ओवरऑल व्यू। और अगर आपको गाड़ी की इन्फॉर्मेशन लगी हो वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दबाएं और साथ में हमारे YouTube चैनल को और Facebook चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।